एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम छठ देखने। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक मैंने कभी छठ पूजा नहीं देखी है, तो मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी देखने और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और मेरे सामने वाली आंटी जी हैं, वो छठ मनाती हैं क्योंकि वो बेसिकली बिहार से हैं। तो अभी हम जाएंगे, उन्होंने वहाँ पे कर रखा है। अभी अभी इवनिंग में भी पूजा होगी, फिर मॉर्निंग में भी पूजा होगी, तो छठ का बहुत महत्व है उन लोगों में, तो फिर इसलिए हम भी देखने जाएंगे अभी पूजा। फिर मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी आपको, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए रहे हैं, यही सामने है मंदिर पे, ठीक है, जल्दी आ जाओ। अलेक्स भी ले जा रहे हैं साथ में, अभी बजाएंगे हम लोग सॉन्ग्स। देखिए क्या पकड़ लिया मैंने। ये क्या है? ये सबसे वो है, दौरी सजाई है, सब चढ़ेगा अभी जब अर्घ देते हैं ना। हाँ हाँ, तब हाथ में मम्मी लोग उसे लेंगी और तब जाएंगी तेज। अच्छा मैं पूरा बना रही हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं बचपन से पहली बार आज देख रही हूँ। अच्छा, मांगो भगवान जी माता रानी से बहुत सत्य। भाभी ये क्या है? ये पूरा दौरा। अच्छा, तो ये है दौरा, इसमें ये सारे फ्रूट्स रखे हैं। तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं या फिर कुछ गिने चुने फ्रूट्स रख सकते हैं? जितने भी मिल जाएं। अच्छा, तो आज हमें पता लगा है इसमें जितने भी मिल जाएं आपको फ्रूट्स रख सकते हैं। ये अगरबत्ती तो वहां लगाने के लिए, यहाँ लगाने के लिए। तो ये है, और ये सारे इन लोगों ने रख रखे हैं। ये सूप है, सूप में भी रख रखे हैं सारे। ये इसमें क्या है भाभी? अच्छा, इसमें सिंदूर है, और ये मूली वगैरह, गन्ना, जो भी मिल जाए आपको सब रख सकते हैं प्रसाद की तरह। क्या ये भाभी क्या लगा रही हैं? ये हल्दी, ये आटा हल्दी, आटा हल्दी। इसका क्या महत्व है आंटी जी? क्यों लगाई जाती है ये? शुभ मानी जाती है, शादी में आटा हल्दी लगाई जाती है। हाँ हाँ, अच्छा। और ये जो आप खड़ी हैं, ये क्या मतलब क्या होता है? ये गंगा, इसमें गंगा जल मतलब डाला है। अच्छा, सूर्यास्त और सूरज की है, कल को फिर से उगेंगे। हाँ, सूर्यास्त होगा तभी पूजा होगी, मतलब सब लोग जल में खड़े होंगे, है ना? हाँ, सब लोग जल में खड़े होंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे। और जो और अभी सब पानी में जा चुके तो अभी ये लोग सूर्यास्त के होने का वेट कर रहे थे। और अब देखिए, इन लोगों ने अपने सूप में सारा कुछ सामान रख रखा है, और अभी ये जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को। तो ये देख रही है कैसे पूजा कर रहे हैं ये लोग। ये मेन काम होता है, मतलब जल अर्घ देना, ये मेन होता है सूर्यास्त के बाद, क्योंकि पूरे दिन का फास्ट होता है। सब लोग अपना सामान लेके चले गए, पूजा भी की है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम देखी छठ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने इतने टाइम से फास्ट रखा है
और बहुत ही ज़्यादा सुकून शांति बहुत अच्छा था। तो अभी तो ये लोग पूजा करेंगे घर पे, जिस जिसके यहाँ पे कुछ भी नया हुआ है, मतलब कुछ भी खुशी का टाइप का कुछ काम जो हुआ है तो उसको अभी ये लोग और कुछ भी करेंगे घर पे जाके अपने, तो अभी वो ही देखेंगे। पता नहीं क्या कोसी, पता नहीं मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन हाँ अभी वो लोग करेंगे। तो अभी जाएंगे तो सब लोग जा रहे हैं। मंडप क्यों बनाया आंटी जी ये? मंडप क्यों बनाया है? अच्छा, तो ये हर किसी के घर होता है या फिर कुछ स्पेशल होता है? मतलब हर किसी के घर पे बनता है मंडप? नहीं, जिसके घर खुशी भरा जाता है। अच्छा, कोई नया कार्य हुआ जैसे मकान हाँ। बच्चे पैदा हुए, किसी किसी के हर साल भरते हैं। अच्छा, और किसी किसी को शुभ कार्य होता है तब। अच्छा, हाँ तो मन्नत मांगनी होगी किसी चीज के लिए, मतलब हम हर साल भरेंगे। अभी पूजा चल रही है, छठी मैया का वो वाला स्थान जहाँ पे अभी पूजा हुई थी सूर्यास्त से पहले, फिर सूर्यास्त जब होने के बाद तभी सब लोग अपना सामान लेके गए थे। और ये है छठी मैया जो आप देख रहे हो, वो उन्होंने उसमें गंगा जल डाल के वो बनाए हैं, तो वहाँ पे उसमें खड़े होके पूजा की थी। और ये लाइटिंग करके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब सुबह मॉर्निंग में फिर से होगा, हाँ मॉर्निंग में यहाँ पे फिर से होगा पूजा।